हेलो यार, क्या हाल चाल है। आजकल पूरे इंटरनेट के ऊपर एक नया फितना फैला हुआ है जिसका नाम आईफोन एक्स आई है। नहीं नमी, इसका नाम आईफोन एक्स आई नहीं है, इसका नाम आईफोन 11 है। लेकिन इससे पिछले मॉडल का नाम तो आईफोन एक्स और एक्स मैक्स था ना, तो उसी हिसाब से इसका नाम आईफोन एक्स आई होना चाहिए क्योंकि रोमन में 11 को एक्स आई ही कहते हैं ना। नहीं नमी, यही चीज है जो हमारे आईफोन को थोड़ा सा यूनिक बनाती है। देखो जैसे हमने आईफोन 9 को स्किप किया और हमारा स्वैग बढ़ गया, उसी तरह अब हम इसको आईफोन एक्स आई नहीं आईफोन 11 कहेंगे। तो यार इनोवेशन के नाम पे आईफोन ने एप्पल का को 2 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, कैमरे का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया और आईफोन प्रो और प्रो मैक्स में एक और कैमरा ऐड कर दिया। और तो और आईफोन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज 3D टच हुआ करती थी, इन लोगों ने इनोवेशन के नाम पे उसके भी एल लगा दिए। और यार ये नोच का क्या काम है। 2019 में जब सारे फोन बेजललेस हो रहे हैं लेकिन आईफोन इनोवेशन के नाम पे सिर्फ अपना लोगो 2 सेंटीमीटर नीचे करना जानता है। अब इन लोगों ने अपने फोन से फिंगरप्रिंट ही उड़ा दिया और उसकी वजह इनके पास कोई नहीं है सिवाय इसके कि ये हमने एक इनोवेशन की है। ये लोग कहते हैं कि फिंगरप्रिंट बटन की वजह से इनकी स्क्रीन का साइज छोटा पड़ रहा था, तो इन्होंने फिंगरप्रिंट को खत्म कर दिया जिसकी वजह से इनकी स्क्रीन को ज्यादा साइज मिल रहा है। तो भाई आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर को मोबाइल की बैक साइड पे भी लेके जा सकते हो। और ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया कि अगर आप अपने एप्पल के लोगो को ही फिंगरप्रिंट स्कैनर बना दो। लेकिन अब तो बहुत से मोबाइल ने इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट निकाल दिए, जाके थोड़ी सी इंस्पिरेशन उन्हीं से हासिल कर लो। लेकिन नोमी हम लोग लोगों की कॉपी नहीं करते, इस तरह हमारा आईफोन यूनिक नहीं रहेगा। तो ठीक है यार, फिंगरप्रिंट के बारे में कुछ और सोच लो, चीजों को ऐसा ऐसा इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होता कि आप उस चीज को खत्म ही कर दो। तो खैर यार चलो नजर डाल लेते हैं आईफोन 11 की मीम्स पे और उसके साथ साथ जो लोगों का रिएक्शन है उसके ऊपर। आहा बहुत चंगा नाम है। तो कुछ लोग इसको पिकाचू कह रहे हैं और कुछ लोग इसको फिडेट स्पिनर। लोग तो इसको बस के पीछे की लगी लाइटें भी कह रहे हैं, कुछ लोग इसको चूल्हा कह रहे हैं और कुछ लोग शेवर। और सबसे फनी बात तो यह है कि लोग कह रहे हैं आईफोन 11 की जो इंस्पिरेशन है वो सलमान खान के इस रॉकेट लॉन्चर से ली गई है जो कि रेस 3 में यूज हुआ है। उसके बाद हमारे पास आईफोन को लेकर कुछ प्रिडिक्शन है कि आईफोन 21 कैसा होगा। तो आईफोन 21 के पीछे सारे के सारे कैमरे होंगे। लेकिन यार बात यही है कि जितना बुरा भी लग रहा है इस आईफोन ने सेल होना ही होना है क्योंकि हमारी आवाम के माइंडसेट इतने शिट बन चुके हैं ना कि ये लोग समझते हैं अगर इनके पास आईफोन है ना वो दुनिया का सबसे अच्छा स्मार्टफोन है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा कूल बॉयज लग रहे होंगे। निकल लो। 50% यंगस्टर्स जो होते हैं ना वो तो इसीलिए आईफोन लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आईफोन लेके उनसे बड़ा स्वैगी लोंडा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो यार मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा कि महंगे फोन लेना छोड़ दो, लेकिन महंगे फोन उस वक्त लो जब वो उसकी वर्थ भी हो। अगर आप 2 लाख रुपया एक जगह पे लगा रहे हो तो कम से कम वो 2 लाख पूरा तो हो रहा हो ना। लेकिन नई आवाम के जहन में तो ये बात बस चुकी है ना कि आईफोन एक क्लास है और वो चले ही इसी वजह से रहा है क्योंकि आईफोन आईफोन है जी। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। अगर आज की वीडियो देख के जिंदगी में सुकून आया तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करो क्योंकि स्कूल लेने का हक हर बंदे का है। तो बस यार चलता हूँ मैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। Zamina mina zamgade wa this time for Africa this is tora lingene ne bado hengalalu jengalalu buduru dengalengu ne staro just stay rume allo ji ki majnun bigi bigi mamma arrest with adosa salamu majnun bigi bigi mamma arrest